कि भोजपुरी मान हो, मैं सम्मान पूर्वक अपने बड़े भाई, दो भाइयों का जब गले मिलन हो रहा है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। भानु प्रताप शाही भैया से मैं चाहूंगा कि अपने छोटे भाई खेसारी लाल यादव जी को पुष्पीय हार दे कर ये 51 बहनों की जो शादी समारोह है, इस जिम्मेदारी के आप भाग्य बने और वस्त्र देकर कर सम्मान किया जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये तलवार देकर कर बड़े सम्मान से भानु प्रताप शाही भैया मान सम्मान के रक्षा के जिम्मा ये तलवार उठाने के बाद कि मान सम्मान स्वाभिमान के रक्षा होते रहे। खेसारी भाई गांधी जोरदार ताली होते, ये हाथ में भानु प्रताप शाही भैया और खेसारी भैया के हाथों में सैकड़ों सैकड़ों बहन की राखी बंध जाती है, तब लगता है कि फौरादपुर के लोगों ने मोहब्बत दिया। मैं चाह रहा हूं कि सम्मान पूर्वक मंच की गरिमा में उपस्थिति देखते हुए और मैं सम्मान कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। हेलो, ये मोहब्बत है, मैं चाह रहा हूं। हेलो, अर्पित लाइव होटल हेलो जवानी भैया का भी स्वागत है। हेलो, पंटू निराला जी भी हैं, स्वागत है सबका। मैं चाह रहा हूँ कि पहले कलाकारों के लिए मंच को खाली किया जाए। हेलो हेलो भैया, खाती के एक लाइन बोला भैया। ये लोग कहत रहे हैं कि खेसारी जी से हमने के मिलन चाहता नहीं जा, तो हम ये करिए कि खेसारी भैया ये कहे हैं कि हम ऐसा भगवान लोग के दर्शन गई तो हम चाहता नहीं, ऐसे हम कह कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। ये तो मेहनत का पसीना है साहब, खून तक जाएगा। जिनको पैसे की ज्यादा जरूरत है, बगल में हाईवे है पकड़ ले, खेसारी को गांव का रास्ता है साहब, सुकून तक जाएगा। विकास पांडे जैसा उद्घोषण आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करती हुई मैं भैया के हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से रवि सर के बीच में रवि सर के प्यार और आशीर्वाद लेने की मौका मिले तो कर श्री माननीय बड़े भैया भानु प्रताप शाही जी के कि ऐसा बेटा आप सब के बीच में पैदा हुआ है जो किसी बच्चे का मोहताज नहीं। जब हम पहली बार यहां आए थे तो उस समय भैया विधायक नहीं थे, उस समय भी थे तो खाली विधायक ही जीतिएगा। तीन बार से इस बार एमपी जीत लिया, अब आप विधायक लायक नहीं रहे, अब आप एमपी के लायक हैं और एमपी के बाद पूरे राज्य पे कब्जा। जिंदगी में देखिए वोट जो होता है ना आपका अधिकार होता है, अगर ऐसे लोगों के साथ आप सबका प्यार और आशीर्वाद है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे जनता का प्यार पा रहा हूं। थैंक यू सो मच। मुझे ये महसूस होता है जब भी मैं भानु भैया के साथ आता हूं तो मुझे महसूस एक बात की होती है कि यहाँ के लोग प्यारे तो हैं, तभी एक अच्छे इंसान को इतना बड़ा नेतृत्व करने के लिए दिया।
आप लोग अच्छे नहीं होते तो इंसान अच्छे नहीं होते। आपका विश्वास अगर इन्होंने जीता है तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने इनको चुना है और एक अच्छे बेहतर इंसान को चुना है। किसी नेता को मत चुनिए। मुझे लगता है कि भानु भैया एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक बेटा की तरह आप लोगों का सेवा करते हैं और मैं इनके अंदर एक नेता वाली खूबी देखता भी नहीं। एक नेता आपका कल हलवा देगा, आपका इंदिरा आवास बनवा देगा, लेकिन आपके बेटी का कन्यादान नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने, मैं जब भी आया हूं तो आप, ये मेरा सौभाग्य भैया कि आप मुझे जब भी बुलाते हैं तो उपकार के काम के लिए बुलाते हैं। दिल से थैंक यू आपको। मेरा भी एक हिस्सा जुड़ जाता है अपने बहनों के इस शादी समारोह में, तो दिल से प्रणाम इस धरती को कि ये धरती ऐसे ही भानु प्रताप शाही जैसे हजारों बच्चों को पैदा करें ताकि कोई भी पिता अपनी बेटी को कोट पे ना मारने की काम करे, उसको रहे ये समझ में आए कि नहीं अगर भानु प्रताप शाही जैसा इंसान है तो दसों को बेटी पैदा कर दिए ब्याह तो हो ये जरिए होकर। तो हर आदमी बेटी बचाने का काम करेगा आप जैसा अगर महापुरुष इस धरती पे है तो। थैंक यू सो मच।